बैंकिंग एक्सपीरियंस के साथ और उनके साथ भी जो ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं बट बिकॉज ऑफ सम दी अदर रीजन आप प्रॉबली नॉट हैप्पी और नॉट सेटिस्फाइड विद देयर वर्क तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इतने सारे लोग बैंकिंग जॉब अटेन करने के बाद उसको छोड़ते क्यों हैं फर्स्ट मेजर रीजन जो है इसके पीछे वो है दमाद एटीट्यूड जो कि हमारे पेरेंट्स और हमारे रिलेटिव्स हमारे अंदर कूट कूट के भरते हैं दे कीप टेलिंग अस कि एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है बस एक ही बार की मेहनत है सिलेक्शन होने के बाद सेटल हो जाओगे कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है लाइफ विल बी वेरी ईजी आफ्टर दैट बट द रियलिटी इज़ अदरवाइज और जब हम बैंक के अंदर जाते हैं काम करना शुरू करते हैं तब हमें पता लगता है कि यहाँ पर तो काम और भी ज़्यादा है यहाँ पर तो मेहनत और भी ज़्यादा है सैलरी जितनी मैंने सोचा था मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊँगा उतनी नहीं है काम जो मैंने सोचा था कि चार पाँच घंटे काम करना पड़ेगा नाइन टू फाइव टेन टू फाइव टाइप जॉब होगी वैसा भी नहीं है लेट लेट तक बैठना पड़ता है लीव्स मुझे लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरा मैनेजर मुझे लीव्स नहीं दे रहा है ऐसी बहुत सारी रियलिटीज़ से आपसे आपको डील करना पड़ता है एंड देन यू रियलाइज़ कि जो भी मुझसे प्रोमिसज किए गए थे वो झूठे थे तो ये जॉब तो मैं नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मैंने तो कुछ और ही सोचा था मुझे कुछ और ही बताया गया था आप ही मुझे बताएँ ऐसी कोई नौकरी है जहाँ पे आपको बिना काम किए पैसे मिल जाएं जहाँ पे आप बहुत कम काम करें और आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल जाए बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है कहीं पर भी इफ़ यू वॉन्ट टू मूव फ्रॉम मीडियोक्रिटी टूवर्ड्स सक्सेस फ्रॉम मीडियोक्रिटी मीडियाक्रटी एक्सेप्शनलिज्म तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके पीछे हम जैसे स्टूडेंट्स की और यूथ की कोई गलती नहीं है गलती है जो हमारे दिमाग में डाला जाता है सेकेंड रीज़न जो बहुत बड़ा रीज़न है वो है मिसमैच बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियालिटी रियालिटी ये है कि आपको बैंक में जाने के बाद भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बहुत काम करना पड़ेगा योर डीलिंग विद मनी डायरेक्टली योर डीलिंग विद अ वेरी स्ट्रेसफुल एन्वायरमेंट जो कि बहुत तेज ग्रो कर रहा है बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग क्योंकि बैंकिंग नेट में आ रहे हैं तो स्ट्रेस काम का ज़्यादा होने वाला है बट एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम बैंक के अंदर जाएंगे तो उसके बाद हमारी लाइफ सेटल्ड है हमें एक बहुत बड़ा बंगला मिल जाएगा बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाएगी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी काम बहुत कम होगा हमें बस मैनेज करना है लोगों को दैट इज़ आर एक्सपेक्टेशन बट बैंकिंग सिस्टम इस तरह से काम नहीं करता है जब तक आपको खुद पासबुक एंट्री नहीं करना करनी आती जब तक आपको खुद चेक बनाना नहीं आता जब तक आपको कुछ खुद ही लोन अप्रूव करना है रिजेक्ट करना नहीं आता कोई भी फॉर्म भरना नहीं आता तब तक आप ऐसे लोगों को मैनेज नहीं कर पाएंगे जो वो काम एक्चुअल में करते हैं सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द बैंकिंग सिस्टम वर्क्स ये जो मिसमैच है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स डिससेटिस्फाइड रहते हैं अपने काम से और इसीलिए वो दे एंड अप लीविंग द जॉब अब फाइनली मैं आता हूं इस बात पर कि मैंने एस की नौकरी क्यों छोड़ी आई वॉज सेलेक्टेड एज अ पी ओ इन ट्वेंटी फोर्टीन आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट टू ईयर्स बट देन आई लेफ्ट तो बहुत सारे लोग पूछते हैं स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आप ऐसा ज्ञान दे रहे हो बट अल्टीमेटली यू ऑल्सो लेफ्ट सो लेट मी क्लैरिफाई लेट मी ब्रिंग आउट टू यू कि मेरे दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा था आफ्टर आई ज्वाइन बिकॉज आई वॉज वेरी डेस्परेट जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स अभी होंगे कि यार कोई नौकरी मिल जाए कोई काम मिल जाए बिकॉज हमने दो तीन साल अपने लगा दिए हैं अब प्राइवेट में भी कहीं नौकरी नहीं है एटलीस्ट लेट लेट अस गेट समवेयर एंड स्टार्ट वर्किंग वी वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली फ्री नाउ तो यही थाट मेरे दिमाग में था आई वॉज वेरी डेस्परेट टू लुक फॉर समथिंग तो जब मुझे एस बी आई में अपॉर्चुनिटी मिली आई ग्रैप दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग बट बहुत जल्दी ही मुझे रियलाइज हो गया था दैट दिस इज़ नॉट वॉट आई कैन डू फॉर माई एंटायर लाइफ मेरा एटीट्यूड मेरा एप्टीट्यूड इस जॉब के लिए नहीं बना है सरप्राइजिंगली आई डिन नॉट नो कि मैं करना क्या चाहता हूँ बट आई रियलाइज कि ये तो मैं नहीं करना चाहता हूँ दिस इज़ नॉट वेयर आई कैन बी फॉर माई एंटायर लाइफ बहुत सारे ऐसे लोग थे बहुत सारे ऐसे कोलीग्स थे मेरे हु आर वेरी हैप्पी विद द जॉब हु आर वेरी हैप्पी बींग इन एस और वो अपने काम को बहुत सीरियसली और बहुत डेडिकेशन से लिया करते थे बट मैं चाहते हुए भी आई कुड नॉट डेडिकेट माई सेल्फ कमि माई सेल्फ कम्पलीटली टू द जॉब कम्प्लीटली टू द वर्क क्योंकि मुझे रियलाइजेशन था कि मैं शायद कुछ और करने के लिए बना हूँ दिस इज़ नॉट वॉट माई पर्पस इज़ और जब मुझे फाइनली लगा कि नाउ इज़ द टाइम दैट आई कैन लीव एंड आई कैन डू समथिंग मोर विद माय लाइफ डजन मीन फाइनेंशियली मोर इट जस्ट मीन्स आई कैन ग्रो माई सेल्फ मोर एंड ट्राई टू फाइंड कि मैं एग्जैक्टली exactly करना क्या चाहता हूँ तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एस छोड़ूंगा एंड नाउ आई विल गो फॉर माई मास्टर्स तो मैंने मास्टर्स ज्वाइन किया डेली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में विदाउट एनीथिंग इन हैंड नो फाइनेंशियल फ्रीडम नो गवर्नमेंट जॉब बहुत सारे लोग मुझे उस टाइम पे बोला करते थे एस जैसी नौकरी छोड़ के यहाँ क्या करने आए हो यहाँ पे तो कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कॉलेज में यही बोलते हैं लोग कि यहाँ क्या करने आए हो यहाँ पर तो कुछ नहीं मिलेगा बट आई न्यू कि मैं कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लूँगा आई वर्क वेरी हार्ड इन दो टू ईयर्स इन माई मास्टर्स प्रोग्राम मैं अच्छे से पढ़ा पढ़ता था एंड देन ऑटोमेटिकली एक्सीडेंटली आप बोल सकते हैं इसको मैंने अपने दोस्तों को अपने कोलीग्स को अपने जूनियर्स को पढ़ाना शुरू कर दिया इट वॉज़ अ वेरी रैंडम एक्टिविटी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन विदाउट एनी थॉट मैं बस लोगों को बता दिया करता था कि ये इस तरह से भी सोचा जा सकता है एंड स्टूडेंट्स व गुड इनफ़ टू आस्क मी माई कलीग्स एंड माई जूनियर्स व गुड इनफ टू आस्क मी कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो यहाँ पर बैठ के पढ़ लेते हैं सो दैट बिकेम अ हॉबी दैट बिकेम समथिंग दैट आई स्टार्टड दोंग लाइब्रेरी के बाहर हम लोग बैठ जाया करते थे और डिस्कस किया करते थे

बेकार क्वालिटी की वीडियोस डालने लगा वेयर आई स्टार्ट टीचिंग तो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था एंड आई हैड नो आइडिया कि मैं क्या पढ़ाऊँ और क्या ना पढ़ाऊँ आई जस्ट स्टार्ट टीचिंग समथिंग और दी अदर रिलेटेड टू कॉमर्स क्योंकि वो मेरी एक्सपर्टीज थी जब कॉलेज ख़त्म होने की बारी आई देन आई हैड टू अप्लाई फॉर लेक्चरारशिप तो मैंने अलग अलग कॉलेज में लेक्चरारशिप के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया बट आई रियलाइज की इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट अ लेक्चरारशिप जॉब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अदर देन योर नॉलेज यू हैव टू हैव अ गुड नेटवर्किंग इज़ वेल आप लोगों को जानते हो तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड दे इज नथिंग रॉन्ग विद दैट इट जस्ट है इट्स अ रियलिटी इट्स प्रैक्टिकल बट आई वॉज नॉट मेड फॉर दैट एंड आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट मैंने अपने दो साल में टीचर्स के साथ कोई नेटवर्क नहीं बनाए थे मैंने अपने दो साल में टीचर्स के साथ uh, कोई रिलेशनशिप्स क्रिएट नहीं किए थे सो माई चांसेज ऑफ गेटिंग अ लेक्चरारशिप जॉब और वेरी वेरी लिमिटेड उस टाइम तक मेरा यूट्यूब चैनल और uh, फेसबुक ग्रुप थोड़ा सा ग्रो कर गया था सो स्टूडेंट्स हैड स्टार्टेड आस्किंग मी कि सर ये पढ़ा दीजिए चाहे हमसे थोड़े से पैसे ले लीजिए ये क्लियर कर दीजिए मुझे नहीं आता है एंड आई नीडेड मनी वेरी डेस्परेटली एट दैट टाइम इन दो सालों में मैं फ्रीलैंसर की तरह काम भी किया करता था आई यूश टू वर्क विद डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उनके कॉन्टेंट बनाया करता था आई यूश टू चेक द पेपर्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर यू तो इस तरह से आई वॉज अर्निंग सम स्मॉल मनी एंड मेरा पॉकेट मनी का काम चल जाता था सो आई डिसाइडेड इट दैट दो साल से जो कर रहे हो उसी को क्यों ना खुद किया जाए वाई नॉट डू दैट स्पेशली इफ पीपल ऑनलाइन हुआ हु आर कनेक्टेड विद यू दे आर आस्किंग फॉर द सेम तो मेरी कम्युनिटी जो क्रिएट हुई थी फेसबुक पे और यूट्यूब पे मैंने वहाँ पर कुछ कोर्सेज बना के डाले और उनको सेल करना शुरू किया स्टूडेंट्स ने उनको परचेज़ करना शुरू किया और धीरे 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 एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी एक कम्यूनिटी सेटअप होनी शुरू हो गई इस तरह से बहुत ऑर्गेनिकली मैंने अपना पैशन और जो मैं जो मैं करना चाहता था वो मैंने ढूंढा और उसको मैंने करना शुरू किया एंड आई कीप डूइंग द सेम एंड दैट इज़ वाई जब भी मैं सुबह उठता हूँ आई डोंट फील टायर्ड आई डोंट फील फ्रस्ट्रेटेड आई डोंट फील द नीड नॉट टू वर्क इनफैक्ट छुट्टी भी होती है पंद्रह अगस्त भी होता है कुछ भी होता है आई कीप वर्किंग बिकॉज आई डोंट रियलाइज़ कि मैं आई एम नॉट एन्जॉयिंग डूइंग दिस बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पतंग क्यों नहीं उड़ा रहे हो पतंग हमने उड़ाई थी फोर्टींथ को फिफ्टींथ को क्यों नहीं उड़ा रहे हो सो so ऐसे कि जो मैं काम कर रहा हूं मुझे उसमें मजा आ रहा है वाई नॉट डू द सेम इवन मोर तो ये थी मेरी स्टोरी एंड ऑल्सो डिस्कशन ऑन वाई सो मेनी एस्पिरेंट्स लीव बैंकिंग जॉब्स आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड जो कि उन बैंक्स के लिए भी हार्मफुल है और उन स्टूडेंट्स के लिए भी हार्मफुल है बिकॉज नाउ दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग कि बैंक्स में एग्जैक्टली exactly काम क्या होता है किस तरह से बैंक्स काम करते हैं डिपार्टमेंट्स क्या हैं एग्जैक्टली फंक्शंस क्या हैं बुक uh, वाले फंक्शंस नहीं एग्जैक्टली exactly, बैंक्स uh, के अंदर काम होता क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे सो दैट दिस मिसमैच बिटवीन रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन कैन बी मिनिमाइज एंड अल्टीमेटली वी कैन रिमूव इट जिससे कि वही स्टूडेंट्स बैंक्स की जॉब के लिए अप्लाई करें जो एक्चुअल में वहाँ पर काम करना चाहते हैं जो एक्चुअल में उस सीनारियो में रहना चाहते हैं